पायलट लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में। इस वक्त देखिए तस्वीरों में कितनी भीड़ है। सचिन जी, एक छोटा सा सवाल है, प्रधानमंत्री 400 के नीचे आने को तैयार नहीं है, आप लोग कहाँ बढ़ेंगे 54 से? जनता ले जाती है ऊपर, जनता ले जाती है नीचे। मैं ऐसा मानता हूँ घमंड और अहम के आंकड़े हैं, वास्तविकता से परे हैं। बदलाव के आहट पूरे देश प्रदेश में है और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड, उस पर वोट पड़ेगा। सर, पिछली बार यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें बहुत बुरा नतीजा था, इस बार अमित शाह कह के गए यहीं पर राजस्थान में आकर के कि फिर 2500 सीट जीतेंगे। अब वो तो दावे करेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार ने 10 साल में जो काम किए और नहीं किए उसका मूल्यांकन जनता करेगी। और हम समझते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो विकल्प है, उसको जनता मतदाता बेहतर पसंद कर रहे हैं। किसान, महिला, नौजवान, उद्योग, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। और ये देश बहुत कुछ चाहता, नौजवान बहुत उम्मीद रखता है। तो मुझे लग रहा है ये बदलाव का चुनाव है और जो फीडबैक और जो रिस्पॉन्स मुझे दिखा है देश भर में, वो कांग्रेस के पक्ष में है। सर, कितनी सीटें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी खुद 370 और पूरा गठबंधन 400 की बात है, आपकी भी संख्या है कुछ? राजस्थान में मैं जानता हूँ कि कांग्रेस की भाजपा से ज़्यादा सीटें आएंगी, और उत्तर भारत जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर इस बार बहुत बेहतर परफॉर्म हम लोग करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो अंतिम आंकड़ा है, जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा हमको मिलेगा सरकार बनाने के लिए। सचिन पायलट जी, आप एक ऐसे नेता हैं, किसी दिन छत्तीसगढ़ में, किसी दिन जम्मू कश्मीर में, किसी दिन राजस्थान में, डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 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 अशोक गहलोत से मैं आज पूछ रहा था दोपहर में, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक सेवा करूंगा, वैकेंसी नहीं खाली कर रहे हो। मुझे लगता है हम सबको पहले तो चुनाव जीतने की बात करनी चाहिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत वो लक्ष्य पीछे छोड़ के जनता की सोचनी चाहिए, पार्टी की सोचनी चाहिए। हम सरकार में कैसे आए, राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं और फिर रिपीट नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा दुख हम सबको है। 30 साल से सरकार बनती है फिर रिपीट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन आज लोकसभा के चुनाव हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सरकार बनाने में कामयाब रहें, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ को क्या चाहिए। व्यक्तिगत किसी को क्या पद मिले नहीं मिले वो बात की बात है, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए समर्पित रहना ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत पद पोस्ट की और कुर्सी से चिपकने की हम बात करते रहेंगे, मुझे लगता है कि हम पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा कांग्रेस का सब नेता नहीं है जो खुद के लिए काम करता है, हम सब पार्टी के लोग जितने भी कांग्रेस नेता हैं जनता के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत काम नहीं करते। लेकिन वैभव गहलोत भी तैयार हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में, वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, पिछली बार कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव जालौर से, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और सिर्फ जालौर ही नहीं, आसपास पूरे प्रदेश में बदलाव हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नौजवानों को मौका देने का काम किया है, और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भी हमने उनको मौका दिया था, हम वो जीत नहीं पाते उस समय, लेकिन इस बार जरूर जीतेंगे मैं मानता हूँ। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, युवा एक तरह से आपके पीछे एकदम से नारेबाजी लगातार, देखिए ये युवा है आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हर बार मेहनत सचिन पायलट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत सचिन पायलट ने की, मुख्यमंत्री कोई और बना, मेहनत आपके हिस्से में है, लेकिन फायदा इसका या इनाम किसके हिस्से में? आप गलत सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो विश्वास करता हूँ कर्म में, कर्म करो ये हमारा धर्म है। मेहनत किस लिए कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जगह बनाए, पार्टी मजबूत हो और अंत में लोगों के दिल और दिमाग में वो छाप छोड़ता है जनप्रतिनिधि, वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है बनस्पत उसके जो सिर्फ पद की लालसा करें। और पब्लिक के बीच में रहकर जनता से जुड़ाव रखें, पार्टी और मजबूत रहे, ये हम सबका उद्देश्य है। ये सचिन पायलट आई लव यू के जो नारे लग रहे हैं, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कि जो देश का ये चुनाव है सचिन पायलट जी, कोई कह रहा है 2004 दोहराएगा, कोई कह रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आपने इतने दौरे कर लिए, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि जो हालात 2004 में थे, इंडिया शाइनिंग का प्रचार हुआ, अंत में सरकार कांग्रेस की बनी, ठीक वैसा ही माहौल इस बार भी है। इंडिया अलायंस का गठबंधन बहुत मजबूत है
और जहां पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है वहां कांग्रेस बहुत बेहतर परफॉर्म करने जा रही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव 10 साल की सरकार देखने के बाद अब तराजू तोलने का चुनाव है और जनता हिसाब लेना जानती है, जनता ही चुनाती है, जनता ही उतारती है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे तीसरी बार? मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, सरकार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है सचिन पायलट जी, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग पछताएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा आप लोगों को मिला, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो सारी बातें बाहर आ गई, तो पता ही नहीं पड़ता। हजारों करोड़ रुपए कोई पार्टी ले रही है, उसमें कार्रवाई नहीं है। 1994 का कोई इनकम टैक्स का नोटिस है, उसका बहाना लेकर कांग्रेस के खाते सीज कर देना, ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है? अगर आप विपक्ष को दबाने का काम करेंगे, कांग्रेस के खाते सील करने का काम करेंगे और विपक्ष मुक्त बनाना चाहेंगे, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मानता हूँ ये जो दबाव की राजनीति है, एजेंसीज का दुरुपयोग की राजनीति है, प्रतिशोध की भावना की राजनीति है, इससे जनता उग चुकी है और बदलाव चाहती है। सचिन पायलट चाकसू में रोड शो कर रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए, चारों तरफ जहां देखेंगे भारतीय जो मतदाता हैं और जो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको देखने उनको सुनने के लिए यहां पर आए हैं। ये रोड शो देखिए, वहां फूलों की बारिश सचिन पायलट के ऊपर हो रही है, गुलाब के फूलों की बारिश, और वो भी बुलडोजर पर, ये बुलडोजर पर फूलों की बारिश, ये जेसीबी है, बुलडोजर और जेसीबी दोनों है, ये बुलडोजर और जेसीबी दोनों है, उधर देखिए उधर भी है, इधर भी है। ये नया प्रचलन चला राजस्थान में, लोग शौक से करते हैं। यूपी से आया है क्या? राजस्थान से। तो ये देखिए तस्वीरें देखिए, और सचिन पायलट का जो क्रेज है युवाओं में, ये शांति और न्याय का प्रतीक है, ये बुलडोजर शांति और न्याय का प्रतीक है, ये सचिन पायलट कह रहे हैं, और नारों के बीच लगातार अपना जो वो रोड शो है उसे जारी रखे हुए हैं। We'll be right back.